खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। मुजैनी थाना अंतर्गत बर्राहाट के वरुण बिहार में राजगीर मिस्त्री को दबंगों के सार्वजनिक से शराब सेवन को रोकना भारी पड़ गया। कच्ची बस्ती निवासी दुकान में सामान लेने आए दबंग युवक मोनू यादव शिपू गौतम एवं अन्य तीन साथी दुकान के बाहर खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। इसका विरोध करने पर दबंगों ने ईंट पत्थर चला दिया, जिसमें ईंट लल्लू प्रजापति को लग गई। आनंद फानंद में साथी दीपू भतीजे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने सिर का ऑपरेशन किया, जहां से दो दिन बाद हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दुकान मालिक सविता श्रीवास्तव की बेटी ने बताया कि सभी शराब पी रहे थे, जिसका विरोध करने पर बाइक में पकड़कर खींचने लगे। पड़ोस में रहने वाले राजगीर मिस्त्री लल्लू प्रजापति ने दबंगों को लड़कारा तो दबंगों ने जोश में आकर गुम्मे पत्थर चला दिए, जिसमें एक राजगीर मिस्त्री लल्लू के सिर पर लगने से गंभीर चोट आ गई, जिसमें आनंद फानंद में लल्लू को नजदीक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ने लाला लाजपत राय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान लल्लू प्रजापति मिस्त्री की मौत हो गई। मेरा भाई अपना रोका है कि आप भैया मेरे यहाँ से मना उठाइए, तो मेरे भाई को मार के चले गए। किन लोगों ने मारा है? मोनू यादव और ये का नाम शिपू गौतम। अच्छा, तो क्या पुरानी रंजिश चल रही थी? नहीं, हमारी पुरानी रंजिश नहीं है, कुल मिला के लड़की मध्य का कुछ मैटर था। अच्छा, इसकी जानकारी आपने जब घूमने चले हैं, जब घायल हुआ आपके भाई, तो आपकी पुलिस को जानकारी दी थी? पुलिस को जानकारी हमें जानकारी नहीं दी पुलिस को। हम जब गांव से सोलर गए, हमें पता चला है हम से सोलर से आए हैं, तो मैं तुरंत थाने गया हूँ कि सर कार्रवाई की जाए, मुकदमा कायम किया जाए, मेरा भाई बहुत घायल है, मैं प्राइवेट नर्स रूम में भर्ती करे हूँ। तो प्रशासन ने कहा कि आपका मुकदमा लिख गया है, आप जाइए। तो कितने लोगों ने मारपीट की है? चार लोग। अच्छा, हाँ, तो जो अभी तक कोई गिरफ्तार हो पाया है? एक गिरफ्तार हुआ था मोनू, तो उसको इस इंकाउंट में चलान कर दिया था। तो मैंने कहा क्यों चलान ये कर रहे हो, तो बोले हाँ कर रहे हैं, और जो जैसा तुम्हारा देखा अच्छा, जाएगा। इसमें लापरवाही किसकी है? प्रशासन की है। क्या प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ गए आप, सूचना देने कहाँ गए थे आप? हम ये गुजेनी चौक थाने। अच्छा, गुजेनी। इसके बाद जब अस्पताल गए तो इसकी जानकारी पुलिस को दी? हाँ, तो दिया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे थे? पुलिस वाले मौके पर गए और वहाँ से बोले कि जब होने दो, तो हमने कहा पैसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए आज पोस्टमार्टम को लेकर क्या हो रहा था? पोस्टमार्टम के लिए हमने जब 2 बजे हमारा मरीज खत्म हो गया, तो हमने पहले जब हैलेट जब पहुँचे, तो हमने कहा कि आपने हम हैलेट ले पैसा नहीं है हमारे पास, ना अनाथ हो गए, अब हम हैलेट जा रहे हैं, तो इनको सोचना दीजिए। अब वहाँ नहीं कहीं पहुँचे। इसके बाद 2 बजे मेरा मरीज ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इनको फ़ोन किया कि सर मेरा मरीज ख़त्म हो गया है। तो अब क्या मांग करते हैं, किसको लेकर? अब हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भतीजी हैं और उसके मकान वतन नहीं है, उनका भर पोषण किया जाए, उनकी अब हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे पास पेशेंट 23 तारीख की सुबह आया है, 23 तारीख की सुबह 5:50 के करीब आया है। तो उस समय ये था कि पेशेंट बिल्कुल बेहोशी हालत में आया था, हमें पता चला कि चोट लगने गिरने की वजह से दिमागी चोट के कारण ये परेशानी हुई है। तो जब पेशेंट आया बिल्कुल बेहोशी हालत में, तो हमने मरीज के अटेंडेंट से बोला कि पहले तो हम CT करा के देखते हैं, क्योंकि दिमाग की गहरी चोट है, तभी ये हालत पेशेंट की ऐसी है। तो फिर हम लोगों ने CT कराया, तो CT में पता चला कि बहुत बड़ा खून बहने का धब्बा था, मतलब आधा ब्रेन पूरा उसका पूरे खून से भर गया था। तो पूरा आधे से ज़्यादा ब्रेन, इतनी तेज की चोट थी कि ब्रेन का आधा हिस्सा करीब खून से अंदर से भरा हुआ था। अच्छा, जब भर्ती कराने आए थे तो उसके साथ पुलिस मौजूद थी कि उनके परिजन थे? नहीं, परिजन मौजूद थे। जो लोग भर्ती कराए थे, क्या जानकारी आपको दी थी, किस तरीके से? उस समय तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने बोला कि सिर में लगने की चोट लगने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। और उस समय हमारे लिए मरीज ज़्यादा पहले ज़रूरी होता है, तो हमने उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं उनसे। फिर आपने उनको कब रेफर किया है और कहाँ के लिए रेफर किया, किस कंडीशन में किया है? एक्चुअली क्या हुआ कि पहले वो आए तो फिर कंडीशन तो सीरियस थी ही, तो हमने बताया कि देखिए कंडीशन बहुत सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने बोला आप जो कर सकते हैं तो करिए। फिर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर जो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि सीरियस बहुत है, एक चांस ऑपरेशन करके दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम संभावना है बचने। क्या पुलिस की तरफ से, पुलिस को आपने हॉस्पिटल की तरफ से कोई सूचना दी है? हाँ, पुलिस आई थी, हॉस्पिटल की तरफ से सूचना नहीं थी, पुलिस आई थी इस मामले में, वो पूरी जांच पड़ताल करके गई, फिर हमने मेडिकल लीगल कराया, उसके बाद हमने परिजनों से कंसेंट लिया, उसके बाद आगे हम ऑपरेशन के लिए बढ़े। कौन से थाने की पुलिस आई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।